किसान बदहाल हुआ हुआ है, ना उसको पूरा MSP मिल रहा है। शांति भाई एक बार थोड़ा, और खरीद से पहले बता रहे हैं PRB के भाव बेच गए, बहुत सस्ता बेच गए MSP से कम, और अब भी जो है 5-4 दिन से खरीद नहीं हुई और कोई मॉइस्चर नहीं है, ना लिफ्टिंग है, तो कहाँ जाएगा किसान? एक एक महीने से यहाँ पड़ा है, 5-6 दिन से पड़ा है। ये शेड्यूल दिख तो रहा है, पोल खुल तो रही है सरकार की तीनों मंडियों में। सर BJP वहाँ ये जहाँ 25 तारीख को भी हो गई है, आज 11 हुई, अब तक पेमेंट नहीं आया, जबकि 72 घंटे का प्रॉमिस था। और यहाँ पे आप देखो 3 तारीख के बाद कोई पेमेंट नहीं आई और लिफ्टिंग नहीं हुई, 4 तारीख के बाद 4 दिन से तुलाई नहीं हो रही और मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर कहीं जबरदस्ती मॉइस्चर का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। झूठे दावे ना करें, ना खोखले दावे ना करें, बिल्कुल बदहाल हुआ हुआ है और ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, दिशाहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। और ये जो नए कानून आए हैं, इससे किसानों को भी, आढ़तियों को भी, मजदूरों को भी, और जो PDS में जो गरीब आदमी को अनाज मिलता है उनको भी दिक्कत होने वाली है। तो इसी वास्ते हम बार बार ये कहा मैंने, भैया तो इन कानूनों को वापस लो या 4th कानून ले आओ, जो MSP से कम कोई भी खरीद करेगा उसकी सज़ा होनी चाहिए, ताकि किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और किसान परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा, मतलब कांग्रेस जीत लेगी। बुढ़ा साहब, कोई किसान ऐसा मिला कि कट लगाया जा रहा है MSP पे 50 रुपये कम लेकर के, इस तरह की बातें सामने आई है और पीछे मंडियों में भी आई है, यहाँ भी बताते हैं। कर आप तो मॉइस्चर के मतलब ही नहीं, मैंने तब न पाया मॉइस्चर, 13 है 14 है, कट का क्या मतलब है? तो अगर कोई कट कर रहा है तो किसान के साथ ठगी कर रहा है, किसान को लूटा जा रहा है किराए के ट्रक के लिए। कल सारी पोल खुल तो गई।